010 भी कुछ कंपनीज ने लिखा हुआ है, किसी ने 088 लिखा हुआ है, इस तरह दो नाम है, दो उसके नंबर हैं। इसी तरह रेड का 066, ब्लू का 010, कॉपर का 044, इस तरह के जो शेड्स हैं इनको आपने जहन में रखना है। अब ये जितना भी शेड कट बना है वो नेचुरल को यानी 1.0 से लेके 10.0 तक जो शेड्स हैं नेचुरल टोन्स, इनको मिक्स करके इनके साथ करेक्टर्स के साथ, ये जो करेक्टर्स हैं कौन से, गोल्डन, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, इन शेड्स को मिक्स करके ये सारा शेड कट डेवलप किया गया। आप देखें 4.3 का नाम होगा, मैंने कहा गोल्डन का नंबर है 0.33, इसका मतलब है कि 3 गोल्डन को शो कर रहा है। तो अगर किसी का नंबर 4.3 है तो आप उसका नाम स्टडी करेंगी तो इंटरनेशनल जो लेवल है उसमें 4.0 जो है वो मीडियम ब्राउन ही होता है, तो 0.3 उसमें आ गया, इसका मतलब इसमें करेक्टर ऐड कर दिया गया। रिफ्लेक्शन, कौन सी रिफ्लेक्शन ऐड की है, 0.3 वाली, उसने 4.3 बना दिया, इसका नाम होगा मीडियम गोल्डन ब्राउन, ठीक है। इसी तरह अगर किसी का रेड है, रेड इंटरनेशनल लेवल पे आप 0.6 है, आप देखें 5.6 का नाम क्या होगा, लाइट रेड ब्राउन, ये मैं किसी वजह से आपको समझा रहा हूँ, ये जब मैं आप मुद्दे पे आऊँगा तो आप लोग अगर समझ जाएंगे तो आप लोग अप्रिशिएट करेंगे कि वाकई बड़ी अच्छी बात आपने बताई। तो जिस तरह ये मैं करेक्टर शेड्स के बारे में आपको बता रहा हूँ कि 033 गोल्डन को शो कर रहा है, 66 रेड को शो कर रहा है, इसी तरह इसमें एक और डिजिट होता है जो नेचुरल को शो करता है, वो डिजिट क्या है, वो डिजिट है 0.0, 0.0 मेशर नेचुरल को शो करता है। जिस तरह फैशन शेड के नंबर्स मैंने आपको बताए हैं 0.3, 0.6, 0.4 कॉपर को शो करता है, इसी तरह 0.0 नेचुरल को शो करता है। अगर आप किसी की ग्रे कवरेज कर रही हैं तो ग्रे कवरेज आपको करनी है ब्लॉन्ड में, फॉर एग्जांपल आप चाह रही हैं डार्क ब्लॉन्ड कलर बालों में लाना चाह रही है ग्रे कलर्स के ऊपर, ग्रे हेयर्स के ऊपर, तो अगर मैं करूँगा 6.0 डार्क ब्लॉन्ड, इसमें 0.0 इसका मतलब है ये प्योर नेचुरल है, और इसी में नंबर और भी है, उसका नंबर है 6.00। तो 00 से मुराद क्या है कि 0.10 है तो नेचुरल है, 0.00 आ गया तो नेचुरल की पिगमेंट्स को बढ़ा दिया गया है, ये स्पेशली फॉर ग्रे हेयर्स, 0.00 स्पेशली फॉर ग्रे हेयर्स। जिस तरह अगर किसी के फैशन शेड जो है अगर वो है 5.66 तो 5.6 होगा तो लाइट रेड ब्राउन होगा, अगर 5.66 आ गया तो वो उसका नंबर क्या बन जाएगा, उसका नाम क्या बन जाएगा, उसका नाम बन जाएगा लाइट इंटेंस रेड ब्राउन, यानी अगर एक डिजिट दो दफा आ गया तो वो इंटेंस हो गया, यानी इंटेंस के मीनिंग इंतहाई, ये इंतहाई सुर्ख रंग है 5.66 लाइट इंटेंस रेड ब्राउन, और अगर 0.00 आ जाता है तो इसका मतलब वो भी हुआ जो रेड के बारे में मैंने बताया कि ये इंटेंस नेचुरल शेड है 0.00। अगर आपको जब भी ग्रे कवरेज करनी हो तो 0.00 वाला शेड पकड़ लें और बालों में लगाएं, जब भी लगाने हैं 20 वॉल्यूम से लगाना है और उसको 30 मिनट टाइम देना है। डेवलपर के डेवलपिंग टाइमिंग का क्या है, डेवलपिंग टाइमिंग के मुताबिक अगर आप यूज़ करेंगी, ये नहीं कहना कि बाजी घर जाके तो हो जाना, नहीं, अपने सामने धुलवाएं, अपने सामने किस वक्त धुलवाएंगे जब आपको डेवलपिंग टाइमिंग का पता होगा। तो याद रखिएगा जो वॉल्यूम लिखा होता है अगर 10 वॉल्यूम से कर रहे हैं तो उसका डेवलपिंग टाइम 20 मिनट है, 10 प्लस कर लेना आपने, 20 वॉल्यूम से लगाया 30 मिनट, 30 से लगाया 40 मिनट, 40 वॉल्यूम से लगाया तो 50 मिनट डेवलपिंग टाइम होगा। अगर आप एज अ प्रोफेशनल किसी कस्टमर को कलर कर रहे हैं आपके पास टाइमर भी होना चाहिए, जिस तरह मैंने कहा कि मैयर आप तोल के इस्तेमाल करें, एक 800-900 रुपये का 1000 का एक स्केल आता है, वो आप स्केल खरीद लें, उसके ऊपर बाउल रखें, आप ट्यूब उसमें डालें, उसको देखें कितने ग्राम हुआ है, ये 60 ग्राम की है या 50 ग्राम की है, उसमें उतने ग्रामीज निकाल लें, फिर उसको टीयर करें, दोबारा 0-0 करें, फिर उसमें आप डिवेलपर ऐड कर दें उतना ही तोल के,
या बराबर तोल के यूज करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपका रिजल्ट डैमेज हुआ तो मैं आपका देनदार, वो कलर के पैसे मैं आपको दे दूंगा जी। मैयर स्पून से ये होता है, अब देखिए अगर 60 ml की ट्यूब है या 60 ml का डेवलपर है उसमें से मैक्सिमम मटेरियल निकलेगा 55 ग्राम, क्योंकि 5 ग्राम उसके अंदर लगा रहेगा। अगर मैं बीकर के साथ यूज़ करता हूँ, मेजरिंग कप के साथ यूज़ करता हूँ तो डेफिनेटली मेजरिंग कप में कुछ मटेरियल रह जाएगा, स्कूप में रह जाएगा, इसलिए बेहतर है कि डायरेक्टली स्केल के ऊपर रख के बाउल के अंदर डालें तो आपकी मेजरिंग 110% होगी। तो 0.00 जिस तरह अगर एक डिजिट दो दफ़ा आ जाता है 0.33 आ जाता है, यानी अगर किसी का शेड कोई ऐसा शेड शेड कार्ड में नज़र आता है कि 6.33 तो इसका मतलब है डार्क इंटेंस गोल्डन ब्लॉन्ड, क्यों कि एक डिजिट दो दफ़ा आ गया, इसका मतलब है उसने रिफ्लेक्शन जो गोल्डन कलर है इसमें उसकी मिकदार बढ़ा दी है, इसलिए उसने इंटेंस का लफ्ज साथ में लगा दिया, इंटेंस इंतहाई इंतहाई गोल्ड। इसी तरह अगर 0.00 आ जाता है तो इंतहाई नेचुरल इंटेंस नेचुरल हो गया, वो उसमें नेचुरल का पिगमेंट बढ़ जाता है, इस वजह से वो ज़्यादा अच्छी ग्रे कवरेज करेगा कंपैरेटिवली जिसके साथ 0.00 होगा। ठीक है, अब फैशन शेड की बात, फैशन शेड में भी यही स्ट्रेटजी को अगर आप देखेंगे तो फैशन शेड में आप देखें हमारे शेड कार्ड में बहुत सी कंपनीज में होता है 0.003, 5.003, 6.003, 7.003। इसका मतलब ये है हम लोग इसको उड़ने में सिर्फ रंग देखते हैं, क्वेश्चन सिर्फ रंग देखते हैं, हम लोग रंग नहीं देखते, हम लोग नंबर देखते हैं कि किस लेवल का बाल है, हम लोगों ने कभी भी शेड को नहीं देखा। फॉर एग्जांपल आप मुझे फ़ोन पे पूछती हैं कि सर कस्टमर मेरा 7.3 कलर कराना चाह रहा है तो मुझे किस तरह करना है इसको, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन उससे ये होता है कि जिस बाल पे करना है उस बाल का इस वक्त रंग क्या है। अगर तो मुझे वो जवाब आया कि सर जी नेचुरल ही है तो नेचुरल तो फिर 1.0 से लेके 5.0 तक नहीं 10.0 तक नेचुरल है, तो उसका जवाब ये नहीं होना चाहिए, उसका जवाब होना चाहिए सर ब्लैक है, डार्क ब्राउन है, मीडियम ब्राउन है या लाइट ब्राउन है। तो गुजारिश ये है कि अगर फैशन शेड आप करना चाह रही हैं तो फैशन शेड 0.003 इसमें गोल्ड का उसने टच दिया हुआ है लेकिन इसमें इंटेंस जो है नेचुरल भी है, क्यों कि 0.00 है यानी नेचुरल पिगमेंट ज़्यादा है और फिर उसने रिफ्लेक्शन कलर गोल्ड डाल दिया, उसने 3 उसमें ऐड कर दिया। तो ये बड़ी स्ट्रेटजी के साथ कलर्स को यूज बनाया जाता है, तो कभी भी रंग को ना देखा करें, बाल को ना देखा करें, बाल का नंबर जो शेड का नंबर है उस पर अपने सीनियर से टेक्नीशियन से डिस्कस किया करें कि नंबर क्या है। हम लोग नंबरों पे चलते हैं, रंगों पे नहीं चलते, हमें पता है 1.0 ब्लैक, 3.0 डार्क ब्राउन, 4.0 मीडियम ब्राउन, आपको 10.0 लाइटेस्ट ब्राउन, आपको ये याद होना चाहिए, आपको रिफ्लेक्शन टोन याद होना चाहिए, येलो 00, रेड 66, कॉपर 44, इस तरह ये याद होना चाहिए एज अ प्रोफेशनल प्रॉपरली ब्यूटिशियन। ठीक है, तो मेरी बात कितने लोगों को समझ आई, पीछे तो सारे दही बड़े कौन आए गलत करते थे सारे। तो गुजारिश ये है कि एजुकेशन लेना कुरान कलामे पाक में है कि अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाइए, ऐसे इल्म तुहाडे दरवाजे ते आता तुसीं लिफ्ट नहीं कराते, कितने हम लोग क्या गाँव में आहो। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उम्मीद नौ का कि उन्होंने आज हमें यहाँ मधु किया और हमारी इजी कलर का ब्रांड यहाँ आप लोगों के दरमियान में है, तो इजी कलर जो है वो पाकिस्तान का ब्रांड है। कितने लोग हैं जो अपने पाकिस्तान से प्यार करते हैं, ताली बजाएं, वो पीछे तो सिर्फ गोलगप्पों के साथ प्यार है वही खा रहे हैं। ओके, मैं थैंकफुल हूँ सर मुजाहिद का, हमारे ऑल ओवर पाकिस्तान जितने भी प्रोग्राम कनेक्ट किए जाते हैं सर मुजाहिद करते हैं, मैं इनका बेहद मशहूर हूँ और मैं इनसे ज़्यादा चाहूँगा कि अगर आप लोग कहें, चूँकि मैंने लाइव डेमो नहीं दिया, लाइव डेमो इसलिए नहीं दिया कि हमें 45 मिनट का यहाँ कहा गया तो कोई भी हेयर कलर 45 मिनट में मैं रिजल्ट नहीं दिखा पाऊँगा। हेयर कलर का काम जो है वो लेंथी होता है, बहुत लेंथी काम है, इसको करना ईजी नहीं है। तो
इसलिए मैंने कल अपने ऑफिस में कुछ मॉडल्स को तैयार किया इजी कलर के साथ। इजी कलर में ये भी फैसिलिटी है, मैं आपको बता दूं कि ये 71 शेड हैं। 71 शेड के अलावा अगर आप और भी शेड डेवलप करना चाहें तो भी कर सकती हैं। अभी जो मैंने मॉडल तैयार किए हैं उसमें देख लें पिंक कलर नहीं है, सब लोग देख लें पिंक कलर नहीं है, लेकिन अभी मेरी मॉडल आएगी उसके बालों में आपको पिंक कलर नज़र आएगा जो इसमें बिल्कुल नहीं है। तो मुझे ऐसा भी ज़्यादा था आपकी मॉडल्स को हम लोग प्रेजेंट करें जी। मैं इसी कलर की मॉडल्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टेज के ऊपर तशरीफ लाएं। ये कल सिर्फ एक दिन में हम लोगों ने रेडी किया, हमने 1 बजे काम स्टार्ट किया था 5 मॉडल्स का और तकरीबन हम लोग 9:30 बजे फ्री हो गए थे। और मेरे साथ सबा थी और एक और मेरे कलीग हैं जुनेद, वो भी मेरे साथ थे। हम तीनों ने मिलकर ये काम किया। जो भी परफॉर्मेंस थी आपको अच्छी लगी बुरी लगी जो भी है वो हमने कोशिश की कि आपको लोग अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें।